नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंहनागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलौदाबाजार मामले में जिले के मंत्री टंकराम वर्मा और सतनामी समाज के मंत्री दयाल दास बघेल, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान वार्ता के समय पूर्व मंत्री और विधायकों के फोटो सरकार के मंत्रियों ने जारी किए गए, जो कार्यक्रम स्थल की है, जहां जारी तस्वीरों में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, कविता प्राण लहरी सहित पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार साफ दिखे। पत्रकार वार्ता में सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर सतनामी समाज को भड़काने का आरोप लगाया और फोटो सहित एविडेंस भी दिखाया। ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने का बात हुआ था, लेकिन वहां पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया गया, जो बलौदाबाजार का हमारा शान कलेक्ट्रेट भवन, इसमें तोड़ फोड़ और आगजनी और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये बहुत बड़े दुखद घटना है। मेला कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया गया वो सतनामी समाज के द्वारा, लेकिन उस आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्रगुरु उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक, को भी मंच में कविता प्राण लहरे, ये भी मंच में थी। और इस तरह समाज को बलगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। इस तरह सतनामी समाज के द्वारा तोड़ फोड़ उपद्रवी कर ही नहीं सकते, ऐसे शांतप्रिय समाज है। लेकिन कुछ प्रकट सामने से और कुछ लोग अंदर से इस अंजाम को लोगों को भड़का करके किया गया है। हकीकत में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्रगुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। और बताइए, 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, आज जो न्यायिक जांच का मांग था वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कर लिए गए हैं और स्पष्ट रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्यवाही निश्चित रूप से होगा, यही मैं कहूँ। महुरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी के द्वारा जयनगर मंडल का गठन किया गया। महामंडल आपके द्वारा जयनगर कन्या मध्य विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर गिरिडीह महामंडल के पदाधिकारी की उपस्थिति में जयनगर मंडल का गठन किया गया। जयनगर मंडल अध्यक्ष सुगुप्ता एवं महिला अध्यक्ष खुशबू देवी को चयनित किया गया। उपस्थित महामंडल पदाधिकारियों एवं चयनित जयनगर मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महामंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे समाज में जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं, उन्हें महामंडल के द्वारा पढ़ाई के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पढ़ेंगे बच्चे तो शिक्षित होगा हमारा समाज के बच्चे और पूरी दुनिया में माहौरी समाज का नाम रोशन करेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में हमारे समाज के द्वारा विवाह का भी महामंडल के द्वारा सहयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तिलैया मंडल के अध्यक्ष मुन्ना मदनी के कहा कि जयनगर मंडल और परसाबाद मंडल माहौरी धर्मशाला में
शादी विवाह में विशेष छूट दी जाएगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित महामंडल एवं मंडल पदाधिकारी रवि, कपीश चबे, शिव कुमार गुप्ता, उमा शंकर चरण पहाड़ी, प्रदीप कुमार, अनुज सेठ, सुनीता सेठ, मुन्ना बधानी, संजय तरवे, सतीश गुप्ता, विशाल बधानी, पत्रकार अभिषेक सेठ एवं समाज के सभी लोग, महिला, बच्चे, बूढ़े उपस्थित रहे। तिलैया मंडल के आप अध्यक्ष हैं, तो महामंडल के प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महामंडल और मंडल एक दूसरे का पूरक है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, और एक दूसरे का साथ और समाज का साथ किसी भी संस्था के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। और आज जयनगर मंडल, नया मंडल जो बना है, और इस अवसर पर तिलैया मंडल को आमंत्रित किया गया था। मैं जयनगर मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ, नया मंडल है, और विश्वास दिलाता हूँ कि जयनगर मंडल में तिलैया मंडल से किसी तरह का सहयोग का और का जरूरत होगा तो हम हर समय तैयार है तिलैया मंडल, क्योंकि तिलैया मंडल और जयनगर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, और इस तरह से कामना करते हैं, शुभकामना भी देते हैं, एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा और इसी तरह संस्था और समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा कामना। शादी संबंधित जो धर्मशाला तिलैया में बना गया है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है हमारे समाज के, आज देखा गया कि महंगी शादियाँ बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ती जा रही है, तो आज हमारा समाज का भवन जो है झुमतुलिया में, वह न्यूनतम धनराशि पर, सहयोग राशि पर उपलब्ध होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज के वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको रियायत दर पर दिया जाता है तिलैया मंडल के अंतर्गत। लेकिन आज से यह सुविधा हमने मंडल की ओर से घोषणा किया है, यह सुविधा जयनगर मंडल और परसाबद मंडल के स्वजाति बंधु जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और उन्हें यह सुविधा तिलैया मंडल की तरह इन दोनों मंडल को भी दिया जाएगा, ऐसा हम आज घोषणा किए हैं और आगे इस पर काम होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयनगर में मंडल का गठन किया गया, सबने क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज ये हमारा समाज 113 वर्ष पुरानी है और इस समाज में हम लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की है कि हर एक मंडल में हम लोगों की सुचारू रूप से क्रियाकलाप चलते रहती है। आज जो मंडल आज बड़ा हो गया, उस मंडल से हम लोग अलग करके एक नया मंडल जयनगर को हम लोगों ने बनाने का कार्य किया है, और यहाँ करीब 60-70 घर जो हैं उन्हें एक अलग मंडल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। और महामंडल आपके द्वार कार्यक्रम करने का उद्देश्य हम लोगों का यही रहा है कि जो भी सामाजिक जो चेतना है वह अपने समाज को किस तरह यहाँ पे जागृत किया जाए। जब छोटे छोटे मंडलों में हम लोग इसको बंटवारा करके एक मजबूत संगठन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि इस तरह हमारा समाज का निश्चित रूप से एक नया उत्थान होगा। हमारे समाज में कुछ गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में असमर्थ है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी महामंडल के द्वारा? निश्चित तौर से हमारी वॉइस महामंडल गिरिडीह की ओर से, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और बच्चों की पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम लोग मासिक रूप से उसको आर्थिक मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। और वैसे बच्चे जिनको एक मुफ्त बड़ी राशि लगती है यूनिवर्सिटी वगैरह में, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में, उसमें हम लोग एक मुफ्त भी राशि देकर वैसे बच्चों को पढ़ने में मदद करते हैं, ताकि समाज पिछड़े नहीं, वो बच्चा पिछड़े नहीं, उसका परिवार नहीं पिछड़े। निश्चित तौर पर हमारी वैश्य महामंडल इस पर संकल्प है कि अपने बच्चों को पैसे के अभाव में उनकी शिक्षा छूटने नहीं देंगे। राजनीतिक तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक तौर पर इसी तौर पर कहेंगे कि हमारी संख्या आज पूरे क्षेत्र में जो है, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि अपना समाज का प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में हो, और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हम वैसे राजनीतिक दल से मांग करेंगे कि हमारी संख्या अच्छी है, हम लोग एक मुश्त वोट भी देते हैं, और अपने समाज की शिक्षा के स्तर में इतनी
अच्छी पकड़ है और इतने अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं कि एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग मांग निश्चित तौर पर करेंगे कि हम लोगों को राजनीतिक दल से टिकट मिले, ये हम आशा और विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वही खबर मुरैना से, जहां इंडियन ऑयल के गोदाम में लगी आग, अज्ञात कारणों से लगी आग से दहशत का वातावरण। मुरैना जोरा मार्ग पर यातायात रुका। मुरैना से जोरा के बीच जाफराबाद गांव के पास इंडियन ऑयल ने बनाया है गोदाम। गैस पाइप के अलावा प्लास्टिक का सामान है बहुत मात्रा में। पाइपों में लगी आग 2 किलोमीटर दूर से दे रही है दिखाई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मुरैना जोरा सहित अन्य स्थानों से दमकल भेजे। निजी व्यक्ति से परिसर किराए पर लिया है इंडियन ऑयल कंपनी ने। सीएनजी की पाइपलाइन बिछाने का हो रहा है काम। सर, एक निजी रिसोर्ट में आग लगी है, किन कारणों के चलते आग लगी है, क्या कुछ अभी तक का जांच नहीं स्पष्ट हुआ? ये निजी रिसोर्ट नहीं है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि पीएनजी की पाइपलाइन डाल रही है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना स्टोरेज रखा हुआ था और पीएनजी की पाइपलाइन में जो अज्ञात कारणों से आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया जिसे बुझाने का काम चल रहा है। और ये जांच का विषय है कि आग किस कारणों से लगी और कितने पीएनजी के पाइप जले हैं। रिसोर्ट में क्या काम हुआ था? रिसोर्ट नहीं है, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्टोरेज है, स्टोर रूम है। लेकिन बाहर लोगों को देखा जाए तो आरआर रिसोर्ट लिखा होगा। अब ये तो हम देखते हैं बाद में, आरआर रिसोर्ट वो पहले रहा होगा, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको अपने टेक ओवर किया होगा। ऐसे बाहर जहाँ उसके जो सिलेंडर है वो भी रखे हुए हैं सीएनजी वाले? नहीं, सिलेंडर का भी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है, जैसा भी तस्दीक होता फिर आपको बताएंगे। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एमसीबी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रार्थी संध्या सिंह, सुरेंद्र सिंह उम्र 32 साल, लेबर ब्लॉक पोड़ी की दिनांक 6/6/2024 को थाना पोड़ी उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र देकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बड़ी बहन साधना सिंह आंगनबाड़ी सरभोक्ता के नवाडीहा में काम करती है। वहीं पर गांव की अर्चना पाल भी सरभोक्ता आंगनबाड़ी में काम करती है। वर्ष 2023 में माह सितंबर में सामान्य बातचीत के दौरान अर्चना पाल इसके बहन संध्या को बताया कि उनका मंत्रालय तथा जिला कलेक्ट्रेट में अच्छी जान पहचान है, रुपया देकर अपने लड़के नीलेश पाल का कलेक्ट्रेट मनेन्द्रगढ़ में नौकरी लगवाई हूँ, उसे भी पैसा देकर नौकरी लगवाने का लोभन दिया। तब यह इसकी मौसी का लड़का श्रम सिंह अर्चना पाल से सरभोका मिले, उस समय उनके साथ में नीलेश पाल तथा संदीप पाल भी थे। उस समय उनके साथ में नीलेश पाल तथा संदीप पाल भी थे। नौकरी लगवाने की बात तो फाइनल होने पर प्रार्थी और चेक नगद व फोन पे के माध्यम से आरोपी को 2,30,000 रुपए दी थी। इसके अलावा चिरमरी का विकास पांडे तथा शुभम कुमार मरकाम भी करीब 1,00,000 रुपए नीलेश को दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर प्रार्थी तथा अन्य लोग जब अपना पैसा वापस मांगने लगे तब नीलेश अपने भाई संदीप पाल तथा मनेन्द्रगढ़ के कंप्यूटरी दुकान संचालक ताहा बोरा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्रालय भवन अटल नगर नया रायपुर का फर्जी नियुक्ति पत्र जिसमें कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर का फर्जी सील एवं फर्जी हस्ताक्षर किए हुए था तैयार कर दे दिया। बता दें कि रिपोर्ट में थाना पोड़ी में अपराध क्रमांक 69/2024 धारा 420 467 468 471 472 तथा 473 34 पादी का दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी नीलेश पाल उर्फ विकास पाल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वह अपनी मां अर्चना पाल मोसेरा भाई संदीप पाल मनेन्द्रगढ़ निवासी अन्य आरोपियों के साथ तथा ताहा बोहरा के साथ मिलकर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए खाते व नगद के माध्यम से लेकर ठगी करना स्वीकार किया। नीलेश पाल ने पूछताछ में बताया कि नौकरी नहीं लगने पर संध्या सिंह, शुभम मरकाम, विकास पांडे तथा अन्य कई लोग इन पर पैसा वापस देने का दबाव बनाने लगे। तब वह फर्जी तरीके से सील मुहर कलेक्टर कार्यालय का बनवाकर ग्लोबल कंप्यूटर्स दुकान के संचालक ताहा बोरा से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनवाकर अभ्यर्थियों को पैसा दिए। लोगों को तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है बोलकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा देता है।
मामला ये है कि संध्या पाल लेबर ब्लॉक कोड़ी की जो रहने वाली है वो 6 तारीख को थाना में आकर एक लिखित आवेदन दी कि सरभोका का रहने वाला नीलेश पाल नौकरी लगवाने के नाम पे उससे 2,30,000 ले लिया है अपने खाते में। ऐसे ही वह कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपया ले लिया है। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस पौड़ी द्वारा 420 के साथ 467, 68, 471 की अपराध पंजी धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना दौरान आरोपी को हिरासत में ली, पूछताछ की। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसके कब्जे से फिर से दूसरा मामला देखिए, 6/6/2024 को प्रार्थी संध्या पाल एक लिखित आवेदन दी और जिसमें आवेदन का जो सार था कि नौकरी लगवाने के नाम पे सरभोका का रहने वाला नीलेश पाल अपने साथियों के साथ, उसका साथी जो संदीप पाल हैं उनके साथ मिल के लोगों के साथ ठगी करते थे और कलेक्टर का सील और फर्जी साइन करके लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते थे। और जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि वह मनेंद्रगढ़ के ग्लोबल कंप्यूटर्स की दुकान में जाके फर्जी नियुक्ति पत्र निकलवाते थे और लोगों को बकायदा नियुक्ति पत्र देते थे और उसको आवक जावक पंजी में मेंटेन करते थे। उसमें पीड़ित लोग का हस्ताक्षर लेते थे। उनके कब्जे से रजिस्टर को, सील को और फर्जी नियुक्ति पत्र जो उनके पास कब्जे में था उसको जब्त कर ली गई। कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं? अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको फिलहाल न्यायिक रिमांड पे अभी भेज दी गई। तो क्या लगता है जांच के दौरान में कितने आरोपी के और आने की संभावना है? अभी ये जांच में है, जब खुलासा हो जाएगा तो नामों की पुष्टि आगे की जाएगी। जो नौकरी लगाने के झांसा जिस टाइप से लोगों को दिया जाता है तो लालच में लोग आके ऐसे ठगों को पैसा दे देते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे जो पीड़ित हैं या आम जनता जो भी है उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि नौकरी, एक सरकार की जो नौकरी की प्रक्रिया है वो पारदर्शिता ढंग से होती है। नौकरी के नाम पे किसी को पैसे ना दें। नौकरी लगवाने के लिए सरकार कभी पैसे नहीं लेती है। लोगों की योग्यता के आधार पे सरकार एक मापदंड निश्चित करती है, उसके हिसाब से नौकरी लगती है सर। तो लोगों के ऐसे लालच में ना आए, धोखे में ना आए। आपको क्या लगता है जो पैसा देकर नौकरी लगवाते हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? झांसे में जो आ जाते हैं मान, फिलहाल ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन लोगों को ऐसे फर्जी वाले लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए, जागरूक होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के चिरमली क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की मंशा बना उसे अपने साथ उठा ले जाने के मामले पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करते हुए मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आपको बता दें कि 3 वर्षीय मासूम जो कि अपने घर के पास खेल रही थी, जिसे उसके घर से महज कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक युवक के द्वारा गोद में उठाकर बुरी नीयत के साथ दुष्कर्म की मंशा रखते हुए सुनसान मकान में ले गया, जहां उसने नशे की हालत में मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन तभी मासूम के परिजन उसकी खोजबीन करते हुए बच्चे की रोने की आवाज सुन उक्त स्थान पर पहुंच गए, जिसकी वजह से बच्चे को परिजनों ने उसके चुंगल से छुड़ा हुए। तत्काल चिरमरी पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक टीम बना उक्त घटना स्थल पर पहुंची, जहां से चिरमरी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उस पर पॉस्को एक्ट के तहत धारा 363, 376 AB के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को न्यायिक निर्माण पर भेज दिया गया है। हमारे मोहल्ले में एक 3 साल की बच्ची के साथ एक मोहल्ले का ही लड़का गलत करने की कोशिश किया था, और जैसे पता चला हम लोग को तो हम लोग उसको पकड़ के कोड़िया चौकी मिला के उसको सपुत्र किए हैं। बच्चे के परिजनों के द्वारा शिकायत किया गया है? हाँ, थाने में आके शिकायत किया गया है और बच्चे के परिजन भी आए हुए थे साथ में। घटना घटी है, क्या पूरा मामला बताएंगे? 3 साल के बच्ची के परिजनों द्वारा थाना चिरमिरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता को घर के सामने से ले जाकर बकरी बांधने वाले में कमरे में रखकर आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। आरोपी खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। किस प्रकार की अपराध कायम किया गया आरोपी के खिलाफ? आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 ए, 376 ए बी, आईपीसी 6 पॉक्सोएक्ट कायम किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हुए। इसी दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुरंदर मिश्रा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी रवाना हुए। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम साय ने कहा, आज उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मांझी का शपथ ग्रहण समारोह है। पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने वहां काफी परिश्रम किया है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग उड़ीसा में रहा है। आज हम लोग भुवनेश्वर जा रहे हैं। आज उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी जा रहे हैं, हमारे मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जा रहे हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी जा रहे हैं, हमारे मंडला के सांसद फगन सिंह कुलस्ते भी हम लोग के साथ जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का, नेताओं का, विधायकों का और संगठन के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग उड़ीसा के चुनाव में रहा है। और उड़ीसा की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। सर, मॉडल स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ सामने आया, आपकी योजनाएं महतारी योजना की तरह सुभद्रा योजना भी, लाभ है तो मिला? बिल्कुल, उड़ीसा में भी जो वहाँ का मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ की भांति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। नवीन जुलाह एमसीवी में प्रशासनिक व्यवस्था के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल चिरमिरी क्षेत्र में जिला अस्पताल निर्माण के लिए जिला कलेक्टर डी राहुल बैंकेट के साथ नगरपालिका निगम आयुक्त राम प्रसाद अचला और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चिरमिरी क्षेत्र में जिला अस्पताल निर्माण हेतु जमीन चयन हेतु के लिए मैदान में दिखाई दिए, जहां पर जिला अस्पताल हेतु पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से राय शुमारी की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर एक स्तर पर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि नवीन जिला एमसीवी के चिरमिरी क्षेत्र में जिला अस्पताल बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल और जिले के संबंध जिला प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल निर्माण हेतु जमीन सर्वेक्षण करते हुए कई स्थानों का दौरा किया, जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु जिला अस्पताल का निर्माण किया जा सके, जिस पर सभी अधिकारियों ने उनकी राय शुमारी करने के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए चर्चा की और बताया कि जमीन चयनित होने के पश्चात जिले जल्द ही जिला एमसीबी में जिला अस्पताल का निर्माण प्रारंभ हो सके। हम खड़े हैं चिंदरी इस वार्ड नंबर 1 में, यहाँ पास जिला हॉस्पिटल बनेगा। जिला हॉस्पिटल के साथ जो हार्टिकल्चर कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसकी भी दिल्ली से अनुमति उनको प्राप्त हो चुका है। उसके कक्षाएं इस साल से ही चालू होगा। उसके लिए भी हम लोग वैकल्पिक रूप से जगह और स्थायी रूप से जहां बनना है उसको भी देखेंगे। मेडिकल कॉलेज की भूमि को आज देखेंगे। एग्रीकल्चर की भूमि हमने आज चिन्हित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां की भूमि चिन्हित किया है। साथ ही साथ विभिन्न और विकास कार्यों को आज भौतिक रूप से पूरे जिला की टीम, जिला कलेक्टर सहित पूरे विभागों की टीम के साथ हम लोग भौतिक रूप से उसका अवलोकन करते हैं। ब्लड बैंक को लेकर क्या तैयारी है? निश्चित रूप से ब्लड बैंक चिरमिरी में पूरी तैयारी हो चुकी है, जल्दी उसको हम चालू करने वाले हैं। मरेंद्रगढ़ में भी संचालित होगा और हेल्थ संबंधी जितने भी फैसिलिटीज एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को होना चाहिए, एक CHC को होना चाहिए, वो 100% क्षेत्रों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में साय सरकार के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार अपनी गिरफ्तारी देने के लिए SP दफ्तर पहुंचे। गुरु रुद्र कुमार ने खुद पर लगे षड्यंत्र के आरोप और नाराजगी
जताई है। वह कांग्रेस नेता ने कहा षड्यंत्र का आरोप लगाने वाले मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बता दें कि रुद्र कुमार सतनामी समाज के गुरु हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदाबाजार हिंसा के पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ बताया है। वहीं राज्य सरकार के तीन मंत्री दयाल सिंह बघेल, कनकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार, बिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे पर समाज के लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। जो तीनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो मेरे ऊपर इल्जाम जो लगाया वह निराधार है और मैं निश्चित तौर पे तीनों के तीनों मंत्रियों पर मैं मानहानि का मैं केस करने वाला हूँ। एक चीज की चर्चा और है कार में, और आप गुरु भी रहे, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बतौर मंत्री ही आपके ऊपर आरोप लगाए, क्योंकि जब आप वहां गए तो आपके नाम के और पद के साथ मंत्री भी जुड़ा ही हुआ है, आप मंत्री रहे, तो आप उसको कैसे देखते, पार्टी के साथ कोई अगला मूव होगा? निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री तो रहे हैं, भूपेश मंत्रिमंडल में हम रहे हैं, राहुल जी ने बनाया था हमें, और पार्टी का जैसा भी रहेगा जो भी बातें रहेंगी सब मिलके सीनियर लीडर्स लोगों के साथ मैंने मिलके चर्चा करेंगे और जो भी आगे करना होगा। 14 तारीख को पूरा कांग्रेस का मंत्री हुआ, कांग्रेस ने किया जांच के लिए जिसमें आपका भी नाम था, उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दयाल दास बघेल आपका नाम लिया जाता है, उसके बाद आपका नाम उसमें से हटा दिया गया और उसको रिवाइज लिस्ट कहा गया, ऐसा क्यों करना पड़ा कांग्रेस? देखिए मैं यहाँ पे अभी नेता के तौर पर नहीं, समाज के गुरु के हैसियत से मैं यहाँ पे आया, क्योंकि समाज के गुरु के ऊपर तीन तीन मंत्रियों ने यहाँ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जिससे समाज आहत है, हम भी आहत हुए हैं, इसी कारण हम तीनों के ऊपर मानहानि के ना केस की हम बात करें। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है या पार्टी की बात है, तो इसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग बता पाएंगे। हाँ हुई है, वही है कि तीनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मनगढ़ंत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कोई किसी के पास ठोस सबूत नहीं है, इन लोग सिर्फ और सिर्फ हमें और समाज को बदनाम करने का इनके द्वारा काम किया जा रहा है, गिरौतपुरी को ना तोड़ने का ना प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में समाज मिल के इस भाजपा सरकार को जवाब देगा। ये सरकार ने पार्टी पर नियंत्रण है और आपको साथ नहीं मिल रहा, कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा, आपका नाम हटा दिया गया। देखिए वह पार्टी की अलग चीज़ होती है, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ पे नेता के तौर पे नहीं, समाज के ना गुरु के तौर पे आऊँ, क्योंकि ये मेरे समाज की बात है, गिरौतपुरी मेरा खुद का घर है, मैं परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का मैं छठवें पीढ़ी का वंशज हूँ, तो समाज की ऊपर जब भी कुछ भी बात आएगी तो निश्चित तौर पे उसको तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे, और पार्टी जो जो जो, जो करती है वह पार्टी अपने हिसाब से करती है। लेकिन आप फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।